अरे नहीं मारो मारी नहीं मारो मारी। हेलो भाई, सारे भाई सुन लो आराम से, प्यार से कह रहा हूँ। देखो इस भाई ने बॉडी बिल्डिंग करी है ना, वो बॉडी बिल्डिंग का ही रिजल्ट जानता है, ठीक है भाई। जिसने करी है ना वो ही उसी को पता है किस तरीके से बंदा यहाँ लड़ता है, ठीक है भाई। कि तुम एक्सपायरी मार खुला कर बॉडी बिल्डर लड़ मारना तो गेम करवा तो रहे और खो बोल रहा है मुझसे बोल प्यार से बात करनी थी यार भाई साहब, गलती होगी रखो इसको माफ, दोबारा ले जाइयो कल, कल दोबारा ले जाइयो, एक गलती होगी। अगर वो भाई माफी मांगता ने तो ना वो अगर वो भाई प्यार से बात करता और भाई गलती हो तो हम भी मान लेते भाई, कल ले और सुन गंदा है गंदा पैसे 2500 रुपए 2500 और मिला के मुंबई फिर देता मैं तो क्या भाई। हाँ अब ऊपर तो एकदम गर्म, उसने कभी मेरे हिसाब से बॉडी बिल्डिंग नहीं करी भाई, पानी छोड़ दे दे फट के बाहर आ जाती है भाई साहब। एक मेरी बात भाई साहब मैं बात करना चाहता हूँ भाई साहब, देखो बात सुनो पहले भागोगे तो ये बदतमीजी कोई भी कर देगा। अब ये भागने के लिए बदतमीजी है, भागो मत भाई। ऐसे देखो थोड़ा बॉडी ना लो पे तुम्हारे 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 द्वारा अरे तुम्हारे इधर का मानता तुम्हारे अरे तुम्हारे द्वारा सब उधर इधर फेंक दिया तो कर दिया ना ना अरे नहीं अरे अंदर एक कुर्सी दो आप साथ हैं, आपकी बात है, हम तुम्हारे साथ हैं, बड़ी बात है आप तुम्हारे साथ हैं, देख लेंगे। सो व्हाट्स अप गाइस, जैसे कि आपने वीडियो देखी, एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन हो रहा था, उसमें क्या क्या सीन हुआ प्रॉपर तरीके से उन भाई बताएंगे। भाई बताओ हुआ क्या था मेनली वहाँ पे? कल एक कंपटीशन हुआ था वहाँ पे, मिस्टर नॉर्थ इंडिया का टाइटल था जो रिजवान अली ने करवाया था वहाँ पे कॉम्पिटिशन। और कॉम्पिटिशन बहुत स्मूथली चल रहा था वहाँ पे, जो जजिंग पैनल बैठी थी बहुत अच्छी जजिंग चल रही थी वहाँ पे, हर चीज़ स्मूथ था और ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे तरीके से कर रखा था वहाँ पे, कैश प्राइज भी दे रहे थे एथलीट्स को, सब कुछ सही था। लेकिन ये विवाद एक छोटी सी बात से स्टार्ट हुआ, वो बात ये है सप्लीमेंट, जो एथलीट्स को उन्होंने गिफ्ट प्राइज में सप्लीमेंट दिया था तो उसके ऊपर डेट जो थी वो एक्सपायर्ड डेट थी, वो मार्कर से रीप्रिंट करी हुई थी। तो किसी कोच ने जाके वहाँ पे ऑब्जेक्शन किया कि ये जो आपने सप्लीमेंट दिया है ये रीप्रिंट है, तो वहाँ पर रिजवान अली जो वहाँ के ऑर्गेनाइज़र थे उनको मेरे हिसाब से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए थी वहाँ पे। तो उन्होंने उस कोच को बोला कि आप इसको लैब टेस्ट करवाओ, अगर ये सप्लीमेंट ख़राब है तो मैं आपको 1,00,000 रुपये दूंगा। तो सिर्फ इस छोटी सी बात से पूरी कंपटीशन की जो भी इज्जत थी वो ख़राब हो गई। और वहाँ पे आपने वीडियो में देखा है क्या हुआ सा, उसके बाद तो सब आपने देख ही लिया, तो लड़ाई हो गई और सारी चीज़ें ख़राब हो गई। और इन सब बीच में जो नुकसान हुआ वो एथलीट का हुआ। और नुकसान क्या हुआ एथलीट का, जो भी एथलीट वहाँ पे वेट कर रहे थे अपने टर्न का, उनका कॉल आउट आना था या फिर उनकी कैटेगरी अभी पेंडिंग थी, उनका कॉम्पिटिशन आगे नहीं हो पाया।
जो भी ट्रॉफीज थी, मेडल थे, सर्टिफिकेट्स थे, वो फेंक दिए गए लोगों की तरफ से और मतलब एथलीट्स की तरफ से, सो कॉल्ड एथलीट जो मिस्टर वर्ल्ड और पता नहीं क्या क्या खिताब जीते हुए हैं वो लोग ट्रॉफीज लेके भागने लगे टाइटल की, और सारे जितने भी और भी ग्रुप्स थे उनकी, और पानी की बॉटल्स लेके भाग रहे थे, पता नहीं क्या क्या। आप वीडियो में देखोगे तो मेरे ख्याल से अगर कोई आप एथलीट हो तो आपको शर्म आएगी कि अगर ऐसे एथलीट होते तो एथलीट का वो नाम ही बहुत गलत यूज़ किया जा रहा है उन लोगों के लिए, क्योंकि आपने वीडियो में देखी होगी चीज़ें। एथलीट को ये सब चीज़ करने शोभा थोड़ी नहीं देती यार। एथलीट एक किस लिए होता है? एथलीट होता है कि भाई उस कोई भी चीज़ उसको चाहिए वो उसको अचीव करता है, उसको पाता जैसे, है मेहनत करके। हाँ तो यही वहाँ की सिचुएशन थी जो आपने वीडियो में ऑलरेडी देख ली, और इस तरीके से वहाँ पे चीज़ें हुई थी, और इसमें नुकसान किसी का नहीं, एथलीट का ही हुआ। आप जानते हैं एथलीट जो सुबह से नमक पानी छोड़ के डाइटिंग पे वहाँ बैठा हुआ है कि मेरी टर्न आएगी तो मैं खेलूंगा कॉम्पिटिशन। इवन मेरा भी वहाँ पे ओवरऑल क्लासिक बॉडी बिल्डिंग के लिए कॉम्पिटिशन पेंडिंग था जो नहीं हो पाया, और बहुत बुरा लगा क्योंकि ऑलरेडी मैं सुबह से प्रिपरेशन पे मतलब पानी छोड़ के बैठा हुआ था, और वेटिंग में ही सारा शो खराब हो गया। लास्ट में सब कुछ स्मूथ चल रहा था, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ था, लेकिन सिर्फ एक किसी की गलती की वजह से पूरा शो खराब कर देना सही नहीं है। इसके लीगल तरीके भी थे, वो लोग पुलिस को कॉल कर सकते थे, अलग एक्शंस ले सकते थे, लेकिन ये स्टेज की इज्जत इस तरीके से ख़राब करना, क्योंकि स्टेज की वजह से ही एथलीट है। जो भी एथलीट भाई लोग देख रहे हैं उनको पता है कि मतलब बॉडी बिल्डिंग का मतलब ही डिसिप्लिन और डेडिकेशन है ना। वहाँ पे कहीं डिसिप्लिन दिखा ना डेडिकेशन दिखा, वहाँ पे तो बस ये था कि मुझे 4 ट्रॉफीज मिल जाए लूट की, और मुझे 2 मिल जाए, मुझे 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, इस तरीके से गेम चल रही थी। वीडियो में देखा होगा आपने, इसका कोई फायदा थोड़ी उन ट्रॉफियों का, ऐसे तो बाजार में मिलती है, खरीद के ले आओ भाई, खरीद के ले आओ। चिकन खा जाते हैं इनका बॉडी बिल्डर, मतलब साल का 50-60 हज़ार रुपए का चिकन खा जाता है एथलीट, और ये 200 रुपए की ट्रॉफी उठा के ले जाके तुम वहाँ पे, जब तुमसे बच्चे पूछेंगे कि भाई ये ट्रॉफी कहाँ से लाए हो तो क्या बोलोगे? मैं मतलब उठा के लाया हूँ, मतलब जीत लड़ाई हो गई थी, रखी थी, उड़ा, मौके का फायदा उठा लिया, मैं लेके आ गया भाई। ऐसे फायदा ट्रॉफी का? कोई फायदा नहीं उस ट्रॉफी का, उस उस एथलीट का क्या फायदा जो हमारी इंडस्ट्री में वो चल रहा है और लोग उसको कहते हैं कि हाँ इसको मैं फॉलो करता हूँ। भाई वीडियो में देखो एथलीट को, एथलीट कर क्या रहा था वहाँ पे, मतलब ट्रॉफी लेके चल दो ओवरऑल की, नहीं जीत सकते तो लेके चल दो। तो ये तो गलत तरीका है, बहुत गलत तरीका है, बहुत डिसअपॉइंट करने वाला मतलब मैटर है ये तो। बिल्कुल, ये तो ऐसे हो गया कि भाई नहीं मिले तो चोरी कर लो है। हाँ चोरी कर लो, वही चोरी हो गई एक तरीके से, भाई चोरी है वो, चोरी है थोड़ी ना, जाहिर सी बात है ऑन कैमरा चोरी करी है आपने, तो ऑन कैमरा करी है, और बाकी सिर्फ इस सप्लीमेंट की वजह से इतना पंगा, यही एसी पे, एसी पे वो एक्सपायरी डेट है हुई है, और दूसरी चीज बोलने के तरीके पे, बोलने के तरीके पे जो रिजवान अली जो ऑर्गेनाइजर थे, अगर इस मैटर को सॉल्व कर देते, सॉर्ट आउट कर देते, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी नहीं चाहेंगे कोई एक्सपायरी सप्लीमेंट खाए, गलती से हो जाती है, सब हो जाती है गलती, अगर वो माफी मांगते और कहते कि ठीक है आपका सप्लीमेंट चेंज कर दिया जाएगा, रख दीजिए, बहुत सारे तरीके थे, लेकिन उन्होंने बोला कि आप लैब टेस्ट करवाओ, मैं 1,00,000 रुपए का इनाम दूंगा अगर सप्लीमेंट अंदर से खराब है तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, मतलब जानवर को खिलाएंगे तो वो भी मर जाएगा। हाँ एक्सपायरी है भाई, और इसी के साथ मैं मैसेज भी आपको यही देना चाहता हूँ कि भाई सप्लीमेंट बहुत आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, बहुत अलग चीज़ है, उसमें थोड़ा सा भी रिस्क मत लो। अगर कोई आपका कोच या फिर कोई भी आपका फ्रेंड कहता है ना कि सप्लीमेंट खा ले, थोड़े दिन पहले एक्सपायर हो गया लेकिन खराब नहीं होता, भाई एक्सपायर तो एक्सपायर होता है। आजकल के चक्कर में भाई क्या करते हैं लोंडे, 500 रुपए बच रहे, 1,000 रुपए बच रहे हैं, तो वो फेक सप्लीमेंट ज्यादा खाते हैं ऑनलाइन किसी भी फेक साइट से ले लो। उनको ये भी नहीं पता है ना फिर उनको हार्म कितना होने वाला है उनकी बॉडी में। फिर अगर ये कल हादसा नहीं होता और वहाँ पे जो भी 50, 100, 200 एथलीट थे वो सप्लीमेंट जितने भी लोग जीते वो घर जाते, खुद खाते, अपने किसी क्लाइंट को देते या किसी रिलेटिव को, दोस्त को दे देते, एक भी क्लाइंट के साथ, एक भी मतलब जो इसका यूजर होता है, एक के साथ भी कोई नुकसान होता, उसकी भरपाई ना रिजवान अली करता ना ये ब्रांड करता, कोई नहीं करता। तो ये जो हुआ ये भी कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कि एक अवेयरनेस मिल गई कि भाई अगर कॉम्पिटिशन्स में भी कोई गिफ्ट मिल रहा है ना तो देख के ही लेना और देख के ही देना। अगर वो एक्सपायर है तो एक्सपायर है, एक्चुअल में है, वो नहीं यूज कर सकते हम लोग। तो गाइस यही वीडियो थी जो आपने देखा स्टार्टिंग में क्या पंगा हुआ था, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो आप तक पहुंचा दी जाए और आपको बता दिया जाए कि पूरा सीन क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्योंकि भाई ने कम्पीट किया था वहाँ पे एंड गोल्ड थे, दो गोल्ड। हाँ, दो गोल्ड क्लासिक बॉडी बिल्डिंग में और अब मेरे वेट में बॉडी बिल्डिंग में। बाकी फिर ओवरऑल के लिए रेडी हो रखे थे भाई ने, काफी दिनों से प्रेप पे हैं, बट पानी वानी बिल्कुल छोड़ रखा है, 20 दिन से कार्ब्स बंद है। मैं अगर एक हफ्ता भी काम बंद करता हूँ तो मुझे पता है कैसी हालत होती है भाई, बेड से उठने की हालत नहीं होती, ऐसे रहता बंदा, हाँ नमक छोड़ देते। बहुत ज़्यादा टफ गेम है, पहली चीज़ इतनी टफ गेम है, दूसरी चीज़ इतनी एक्सपेंसिव गेम है, तीसरी चीज़ भाई आपकी बॉडी को भी हार्म करती है, ये चीज़ फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये साइंटिफिक प्रूफ है ये चीज़।
और मेन चीज कंपटीशन में आजकल मिलता भी क्या है और कुछ नहीं, अगर तुम 50 लौंडे चट ये फेक सप्लीमेंट और कुछ इसमें एक्सपायरी सप्लीमेंट मिलता है, एक्सपायरी सप्लीमेंट मिलता है, एक तो ये ऑलरेडी फेक होते हैं सप्लीमेंट और ऊपर से वो एक्सपायर हो जाए तो समझो कि मतलब क्या ही मिल रहा है, जहर मिल रहा है वो। तो फिर आजकल बड़े कंपटीशन होने लगे इंडिया में और बॉडी बिल्डिंग का क्रेज भी साथ साथ बढ़ने लगे, ये भी बहुत सही हो गया, बहुत एक पॉजिटिव साइन है। 4-5 साल पहले इतना नहीं होता था भाई, कितना अब तो हर बंदा नया लड़का आ रहा है वो भी भाई फिजिक बनानी, और एक चीज भाई जल्दी फिजिक बनाने के चक्कर में अपनी बॉडी को हार्म मत करना, मत यूज 6 महीने 1 साल में फिजिक नहीं बनती है, शॉर्टकट बिल्कुल। जब गुरुजी बोले ना 6 महीने में या 4 महीने में बॉडी बनवा देंगे स्टेज पे, तो समझ जाना कि वो गुरुजी दूर करने वाले हैं, दूर हो जाओ या दूर कर दो उनको, उनके करीब मत जाना 6 महीने 4 महीने चक्कर में, इट टेक्स टाइम। पता नहीं है ना कि आगे चल के कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है इन सब चीजों में, स्टार्टिंग में तुम 6 महीने 1 साल में लगा लुगा के सब कुछ बना लोगे, उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है ना नेक्स्ट लेवल आती है, आप लोगों को पता नहीं है। कभी इस पे बैठेंगे बात भी करेंगे, बताएंगे, दिखाएंगे भी, कई लोग भी हमारे पास जिनके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई है। एंड अब भाई की थोड़ी सी फिजिक दिखा देते हैं, आप सोच रहे हो कि कपड़े में ढीला सा बैठा ऐसे ही होगा, आ जाओ अब दिखाते हैं। तो गाइज ये थी एक छोटी सी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो भी हुआ हमने आपको बताया स्टेज पे क्या हुआ था। तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना भाई की फिजिक कैसी लगी, पूरा लीन हो रखे है, बाइसेप्स का अंडा लगे आ रहा है। भाई सिर्फ पैसा नहीं, मेहनत भी है, डेडिकेशन भी है, हार्ड वर्क सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ झोंकना पड़ता है इसके अंदर, मैं जानता हूँ। हम साथ ही वर्कआउट करते हैं तो मुझे पता है कि कितने दिन से कार्ब्स बंद रहते हैं, क्या हालत रहती है, कैसे वर्कआउट के लिए अपने आप को पुश करना पड़ता है। लास्ट टाइम में ना तो भाई ऐसे ही होता था, वर्कआउट बिल्कुल नहीं होता, बस अपने आप को पुश करना होता, करो पुश किस तरीके से। तो भाई बाकी अगर आप अरुण भाई से बात करना चाहते हो तो अपना इंस्टाग्राम बता दो। इंस्टाग्राम पे arunyadav.05 आप मुझे सर्च कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, फिटनेस रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो, आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए हो तो आपका भाई हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। कभी भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जैसे डाइट हो गया, सप्लीमेंट हो गया, या फिर बॉडी बिल्डिंग प्रिपरेशन को लेके, पोजिंग को लेके कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मुझे DM कर सकते हैं, आपका भाई हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी 24/7। क्योंकि भाई ऐसे बॉडी बनाना आपको भी पता है आसान चीज़ नहीं है, और 1-2 साल का एक्सपीरियंस नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम का एक्सपीरियंस चाहिए हमें भाई, 8-10 साल का अच्छे खासा एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम से हम घिसा रहे हैं। तो उसके बाद ऐसी बॉडी बनती है, उसके बाद फिर हम ट्रांसफॉर्म भी वैसा ही कर पाते। बाकी थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।